बुधवार के दिन भारी बारिश ने यूपी को तरबतर कर दिया। मौसम की करवट ने लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत दी, लेकिन तेज बारिश ने कई इलाकों को जलमग्न कर दिया। देर रात तक लखनऊ के अलावा कई जिलों में भारी बारिश के कारण भारी जाम से लोग जूझते नजर आए। बारिश का सिलसिला भले ही 2-3 घंटों तक चला हो, लेकिन जितनी मूसलाधार बारिश थी उससे जलभराव की समस्या का सामना आम जनता को खूब करना पड़ा। लोगों को आवाजाही में दिक्कतें होने लगी। लखनऊ समेत 50 जिलों में बरसे बदरा लोगों के लिए परेशानी का सबब बने, जिसमें सबसे बुरा हाल लखनऊ का रहा। यहां बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। जोरदार बारिश से शहर जलमग्न हो गया। बरसात का पानी विधानसभा नगर निगम तक में घुस गया। एटा में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोग घायल हो गए। NCR के नोएडा, गाजियाबाद में भी जमकर बारिश हुई। सड़कों पर पानी भरने से वाहनों का जाम लगा रहा। निचले इलाकों में घरों और दुकानों में भी पानी भर गया। वहीं गुरुवार की सुबह से मौसम सुहाना बना हुआ है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, कई जगह काले बादल भी उमड़े हैं। वहीं आने वाले दिनों में मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने दिल्ली समेत कई राज्यों में गरज और बिजली के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश के साथ 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक पूरे प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। मानसूनी टर्फ लाइन यानी हवाओं की मुख्य धारा यूपी के करीब आ चुकी है, जिससे मानसूनी हवाएं तेजी से खींची चली जा रही हैं। इसके परिणाम स्वरूप अगले 2 दिनों में बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। लखनऊ केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक 1 अगस्त यानी गुरुवार को बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के क्षेत्र में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं, जबकि कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, कानपुर ग्रामीण में भारी बारिश के आसार। इसके अलावा कई जिलों में बिजली गिरने की भी संभावनाएं जताई गई हैं, जिसके मद्देनज़र लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई। मानसून की टर्फ लाइन यानी कि लो प्रेशर एरिया दिल्ली से लेकर यूपी के हरदोई से होते हुए बंगाल तक बना हुआ है। अगले 2 दिनों तक यूपी में तापमान 4-5 डिग्री तक गिर सकता है। तापमान 27-39 डिग्री के बीच रह सकता है। साथ ही अगले 5 दिनों तक प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।